रोहित सर, आज मैट्रिक्स का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स का डिफिनीशन, मैट्रिक्स का टाइप्स और मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ देख चुके थे और उस पर प्रॉब्लम भी देख चुके थे। कुछ वीडियो लंबे हो गए थे क्योंकि देखिए मैथ की जो क्लास रहते हैं उसमें आपको कुछ जो वीडियो रहेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो वीडियो लंबा होगा ही होगा। अगर आप कोचिंग भी पढ़ते हो तो एक घंटा दो घंटा क्लास होता ही है, फिर भी उसमें बच्चे क्वेश्चन अच्छे तरह से पूछ नहीं पाते हैं। तो आपको तो यहाँ वीडियो पे बहुत तरह के मैंने क्वेश्चन आपको दिया है जो आप एक एक कर करके प्ले करके देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छी तरह से नोट डाउन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया फिर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को कि सर मुझे यहाँ तक समझ में नहीं आया, कुछ भी आप नंबर देकर आप बता सकते हैं या इस वीडियो में इस लेक्चर में नाम देकर। हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट सेशन में बताने का, अगर नहीं हो पाएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर फिर से छोटा सा डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड की ओर की क्या आज का हमारा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है तो देखते हैं क्या है? बता रहा है क्या कि लेट ए पी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। इस तरह से बता रहा है कुछ कि मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है m into n का, तब द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय द इंटरचेंजिंग, क्या करना है कि तब जब क्या करेगा, ये ऑब्टेंड करेगा किसी मैट्रिक्स को और वो इंटरचेंज करेगा रो को कॉलम में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इस तरह से समझ में आ रहा है ना, जो रो रहेगा वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम रहेगा वो रो हो जाएगा। कैसे तुम एग्जांपल से समझेंगे इसी को, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। एक बार और समझ लीजिए जो नोट में लिख दिया हूं। इफ मान लेते हैं कि ए इज एन एम इंटू एन मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए जो है ए एक एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन तब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ई क्या है ए डैश, मतलब समझिएगा ट्रांसपोज का साइन है, या तो फिर ए टी। तो अगर बता रहा है कि अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो यही मैट्रिक्स है जो m इंटू एन में रहेंगे वो हो जाएंगे आपका n इंटू एम में। यहां तक भी समझ में आ गया होगा तो चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर हमारा आगे समझते हैं। सेकेंड नंबर और भी अच्छी तरह समझाने के लिए कोशिश किया गया है, i और j मान लीजिए कि एक रो और कॉलम में एक एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स ए का, वही जो होता है बराबर होता है j और i, यानी कि जो चेंज हो जाता है रो कॉलम में कॉलम रो में, यानी कि रो इंटू कॉलम है तो कॉलम इधर आ जाएगा रो उस तरफ चला जाएगा, यानी कॉलम यहाँ आ गया रो उधर चला गया। इस तरह के जो एलिमेंट होगा यही आपको क्या होगा ट्रांसपोज होगा, जो इसके क्या होगा बराबर होगा, यही आपको बता रहा है। अभी आपको हम सबसे आसान और सबसे अच्छी तरह से एग्जाम्पल में भी समझाते हैं। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है 3, 2, -1, 4, 2, 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज मतलब कि ए डैश यानी कि ए डैश या ए टी निकालते हैं, तो क्या करना है कि जो इसका ऑर्डर था, ऑर्डर इसका क्या है 1, 2, 2 रो कॉलम कितना 3 है ना, इसको जो बनाएंगे अब हम 3 × 2 में बनाएंगे, 3 × 2 में बनाया है, 3 × 2 में बना दिए। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, रो को पहले देख लीजिए किस रो और किस कॉलम में है, ऑर्डर देखने के बाद उसको ऑर्डर को क्या कीजिए कि चेंज कर दीजिए, वो 2 × 3 रहेगा तो 3 × 2 कर दीजिए, 2 × 4 रहता है तो 4 × 2 कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है ट्रांसपोज। अगर यहां से भी समझ में नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए, जो ये रो का जो एलिमेंट्स है उसको कुछ नहीं करना, घुमा कर इस तरह से आपको क्या कर देना है कॉलम में लिख देना है, इसमें लिखना है कॉलम है, रो को कॉलम है, रो को कॉलम है, तो एक रो को कॉलम में लिख दिए तो ये जगह तो फुलफिल हो गया, ये जगह तो फुलफिल हो गया। अब आप नेक्स्ट में लिखोगे तो नेक्स्ट भी इस रो को उठाइए, यहाँ पे इसे खड़ा कीजिए और इस तरह से ट्रांसपोज में लिख, मतलब कि कॉलम में लिख दीजिए। समझ में आ गया, ऐसे भी ट्रिक से लिख सकते हैं, आपको माइंड में याद हो जाएगा रो को कॉलम में, रो को कॉलम है, देखिए रो को कॉलम है, रो को कॉलम में लिख देना, रो को कॉलम में किया तो इस तरह से लाइन से आ गया, इस रो को पूरा उठाए तो इस तरह से कॉलम में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका है सम रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। जो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं
उसका रिजल्ट्स कैसे कैसे आ सकता है, जैसे मल्टीप्लायर में पढ़े थे ना बहुत तरह के प्रॉपर्टीज था, उसी तरह से समझे कि ये भी एक तरह से लिख रहा है इसमें कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या ए का बराबर रहेगा, प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको बुक में दिया गया है, उसको प्रूव कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको हम एग्जांपल समझा देंगे, आपको समझ में चले आएगा। बता रहा है क्या जी कि कोई मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज निकाले, फिर दोबारा ट्रांसपोज निकाले तो क्या उस ए का पहले वाले ए का बराबर हो जाएगा, देखिए तो चेक कर लेते हैं। ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3, 2, 1, 2, 4, 6, इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये ऑर्डर कितना का है 2 × 3 का, यानी कि जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो जाएगा 3 × 2 का, 3 × 2 का होगा ना, तो देखिए तो क्या करेंगे, रो है कॉलम में चेंज कर दिए, इस रो को उठाकर फिर कॉलम में चेंज कर दिए, देखिए तो रो को कॉलम में चेंज किया तो इस तरह से आ गया, फिर इसको रो को कॉलम में चेंज किया तो इस तरह से आ गया, तो ये तो एक ट्रांसपोज निकल गया। फिर क्या किए कि इसी का दोबारा ट्रांसपोज निकाले, दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना रो है 1, 2, 3 रो, कॉलम कितना है 2, यानी कि 3 × 2, अगर फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 में निकाले हुए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 रो 3 कॉलम, तो इसको कैसे निकालें ये भी देख लीजिए, ये देखिए तो रो है ना, ये रो है, मान लीजिए कि तो सिम ये तो लंबे लंबा सा था कि 3 एलिमेंट्स का, तो 2 एलिमेंट्स का तो उससे क्या प्रॉब्लम है, रो को कॉलम में चेंज करना, तो रो को हम लोग कॉलम में चेंज किया इस तरह से हो गया, फिर इस रो को उठाए फिर कॉलम में चेंज किए, फिर रो को उठाए फिर कॉलम में चेंज किए, मतलब इस तरह से उठाना है, ऐसे करके घुमा देना है कॉलम में, काम खत्म हो गया आपका ट्रांसपोज, कितना आसान है कि नहीं आसान। तो देखिए तो अब 3, 2, 1, 2, 4, 6, 2 × 3 ऑर्डर, 2 × 3 ऑर्डर, क्या ये ए के बराबर नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, क्या बोल रहा था आपको कि जो ए हम लोग निकाल रहे हैं एक बार ट्रांसपोज फिर दोबारा ट्रांसपोज का ए के बराबर हो जाएगा, देखिए तो जो ए हम लेके चले ट्रांसपोज निकाले फिर से ट्रांसपोज निकालें तो ये आ गया, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं, ये आ गया ना ए के बराबर, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही ना पूछ रहा था ये, इस तरह से रिजल्ट है। सेकंड आपका है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर प्रूव दैट के ए का ट्रांसपोज इनटू के ए ट्रांसपोज, क्या करा है कि के ए का ट्रांसपोज यानी के का भी ट्रांसपोज ए का भी ट्रांसपोज, तो ऐसा ना करेंगे कि के और ए को पहले ही अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे, इसको क्या करेंगे कि के को बाहर रखेंगे ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि देखिए एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कोई ए को ट्रांसपोज है, ए कोई ट्रांसपेज ट्रांसपोज लेट मानते हैं इस तरह से 3, 2, 1, 4, 6, 8, हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले एलिमेंट्स में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ था हम पहले क्या किए कि के मान लेते हैं 3 और ए जो ट्रांस मैट्रिक्स था इसमें क्या किया कि 3 से इस ए वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, तो ये हो गया 9, 6, 3, 12, 18, 24, ये हो गया। अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज निकाल दिए, ट्रांसपोज निकाले तो रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, हो गया काम खत्म। ये आपका आ गया LHS, मान लीजिए ये क्या आ गया आपका LHS, अब हम RHS निकाल रहे हैं, ठीक है RHS निकाल रहे हैं तो बराबर में देखे RHS लिख रहे हैं हम लोग यहाँ से, मान लीजिए समझिएगा यहाँ पे, ठीक है थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए लिखना पड़ता है इस तरह से, तो आप इधर ध्यान दीजिए आपको दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं कि k into a dash जो था, k equal to क्या माने थे 3 into जो हमारा a matrix था वो हमारा a matrix लिखा हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 को हम लोग पहले बाहर ही रखते हैं और इस a का क्या करते हैं कि ट्रांसपोज निकाल देते हैं, जब इसका हम a का ट्रांसपोज निकालते हैं, यहाँ देखिए a का जब हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो रो को कॉलम है, रो को कॉलम है लिख दिए यहाँ पे, रो को कॉलम है। अब क्या करते हैं कि जो हम 3 जो था बाहर था, ए जो था मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाल के ये आ गया, इस 3 से अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया था कि 9, 12, 6, 18, 3, 12, देखिए तो ये आ गया आपका क्या चीज RHS। अब देखिए तो LHS RHS बराबर है, ये देखिए LHS 9, 12, 6, 18, 3, 24, 9, 12, 6, 18, 3, 24, समझ में आ गया, ये देखिए तो LHS RHS बराबर हो गया। क्या किए
फिर से समझिएगा, के जो था मान लिया कि थ्री है, के मान लिया कोई थ्री है, ए से पहले मंत्राई में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ये 9, 6, 3, 12, 18, 24। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये पूरा का ट्रांसपोज हो गया, ये पूरा का ट्रांसपोज आपका ये आ गया LHS। आरएच इसमें क्या किया है कि के को जो थ्री था उसको बाहर रखे, ए को लिखते ही के साथ क्या किया उसको ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज करने के बाद फिर थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया आपका ये RHS, RHS बराबर LHS। अब देखिए कुछ बच्चे बता रहे थे कि जैसे कि इसका मतलब दिखेगा ऐसे, दिखता नहीं है सर, तो इसको क्या कीजिए, अब हम यहाँ से हटेंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन कैप्चर करने के बाद उसको अपने नोट डाउन कीजिए कॉपी पे जूम कर करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से कीजिए आप, चलिए स्टूडेंट तो आगे देखते हैं कि जो आपका ट्रांसपोज का जो रिजल्ट था वो क्या आया है। थर्ड नंबर है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए प्लस बी का पूरा का ए ट्रांसपोज है प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या पढ़ना है इसको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि LHS में ये है, RHS में ये, इसको प्रूव करना है कि अगर हम इसको नहीं सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। देखिए हम इसको एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल समझिएगा आपको समझ में आएगा, और फिर अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, तो हम ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ही बताएंगे, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर दोबारा भी हम बताएंगे, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल में आपका है, लेट मान लेते हैं कि ए और बी को एक मैट्रिक्स है दो, हम मान लिए खुद से। अब आगे देखिए क्या कहता है, फर्स्ट आपको LHS में प्रूव करना है, अगर हम LHS ये लेके चल रहे हैं मान लीजिए, LHS में आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी कर लेते हैं, यानी कि ए और बी को एड करते हैं, तो ए प्लस बी की है तो दोनों मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिखे और एड करते हैं 3, 4, 7, 2, 6, 8, 4, 5, 9, 6, 8, 12। ऐड करने के लिए तो बताया थे पिछले लेक्चर में, हम क्या करेंगे जो भी थर्ड लेक्चर हम आपको ले चुके हैं थर्ड लेक्चर तक, उस सारा का जो लिंक रहेगा आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे में जाके देख लीजिएगा। देखिए तो ऐड करने के लिए बता दिए थे जो एलिमेंट्स यहाँ का उठाएंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करेंगे, बी का उठाएंगे, जो ए का उठाएंगे वही बी का उठाएंगे, थ्री यहाँ से उठा रहे हैं तो फोर बी में भी यही से उठाएंगे, तो 3, 4, 7, 2, 6, 8, 4, 5, 9, 6 और 8, 14। यहां तक हो गया। अब इसका क्या किए कि ट्रांसपोज बोल रहा था ना ट्रांसपोज कि ए और बी को ऐड कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज निकाल दिए, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, तो 7 यहां था 7 यही रह गया, 8 भी यहां लाना था 8 यहां आ गया, 9 यहां, 4 यहां, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज, वो निकल गया आपका LHS। अब निकालते हैं हम लोग RHS। पहले आपको बता रहा था कि ए का ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज निकालिए, फिर ऐड कर दीजिए तो आपके इसके बराबर हो जाएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं क्या सही है। तो ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से, ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं इसका, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, तो रो को कॉलम में चेंज किए तो 3, 2, 4, 6 को रो को कॉलम में चेंज किए तो 4, 6। आगे इस तरह से बी का भी निकाल रहे थे, 4, 6 यहाँ, 4, 6 यहाँ गया, 5, 8 यहाँ है तो 5, 8 इस तरह से कॉलम में आ गया। ये ए बी ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज निकल गया। अब इन दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़िए 3, 4, 7, 4, 5, 9, 2, 6, 8, 6, 8, 14। देखिए क्या RHS जो निकाले हैं LHS के बराबर है, तो है बराबर 7, 7, 9, 9, 8, 8, 14, 14। यानी ये प्रूव हो गया कि जो रिजल्ट था ये जो बता रहा था कि ए बी का अगर पूरा का ट्रांसपोज निकालेंगे ऐड करके, फिर बाद में अगर हम लोग ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे तो क्या दोनों बराबर आएंगे, तो हाँ आएंगे। तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रहा है कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो वो आपका LHS हो गया, वो आपका LHS हो गया। और
बता रहा है प्रूव करने के लिए कि b का ट्रांसपोज निकालिए और a का ट्रांसपोज निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या इसके बराबर आता है इस LHS के? तो चलिए चेक करके देख लेते हैं एग्जांपल से। तो मान लीजिए कि a और b कोई ट्रांसपोज है, ठीक है, a और b कोई ट्रांसपोज है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको तो बता ही थे कि रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, फिर रो को फिर कॉलम से, फिर रो को फिर कॉलम से, यानी एक रो को फिक्स करना है, जितना कॉलम रहेगा उतना मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन किस चीज का देना है, प्लस का, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। देखिए आपको एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, 3, 2, 4, 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से, 3, 4 जा 12, बीच में प्लस का साइन, तो बीच में प्लस का साइन, 2 into 5, 2 into 5, 10, तो 10 हो गया। ये हो गया रो को कॉलम से, फिर इसी रो से फिर इस कॉलम में, जितना कॉलम रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो नेक्स्ट रो में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, जगह छोड़ दिया है। अब इसको देखिए चेंज कर रहे हैं, 3, 6 कितना हो गया, 18 प्लस हो गया, और 2, 8, 16, 2, 8 जा 16, ये हो गया मल्टीप्लाई, 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16, 6 into 5, 30, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन, 4, 6 जा 24, 6, 8 जा 48, ये हो गया बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन। अब इसको ऐड करते हैं, 12 और 10, 22, 18 और 16, 34, 16 और 30, 46, ये इसको ऐड किया तो 72। अब इसका क्या कर रहा था बोलने के लिए कि मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। देखिए ट्रांसपोज का साइन दे दिए, ट्रांसपोज निकाले तो 22 और 34, ये रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, 34 और 46, 72, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका निकल गया ट्रांसपोज, यानी कहने का मतलब ये निकल गया आपका LHS। हम लोग RHS निकाल लेते हैं, तो B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, तो पहले A का ट्रांसपोज निकाल दिए, B का ट्रांसपोज निकाल दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोज कब से क्या है, और B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 4, 3 into 4, तो पहले बोला था b into n निकालने के लिए, तो b into कर देते हैं, तो 4 into 3, 12, 5 into 2, 10, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन, रो को हो गया कॉलम से, फिर रो को कॉलम से, 4 into 4, 16, plus 5 into 6, 30, अब इसको रो को कॉलम से, 6 into 3, 18, 8 into 2, प्लस का साइन, 16, फिर हो गया 6 into 4, 24, 8 into 6, 48, प्लस का साइन, प्लस का साइन, सबको ऐड करते हैं, तो 12 और 10, 22, 18 और 16, 34, 16 और 30, 46, 24, 48, 72, अब देखिए तो ये निकल गया RHS, देखिए तो क्या LHS RHS के बराबर है ना, 22 हो गया, 46 हो गया, 34 हो गया, 72 हो गया, 22 जो था, तो ये देखिए तो LHS RHS के बराबर हो गया, यानी कि ये भी प्रूव हो गया, यानी कि ये भी सही है रिजल्ट्स, यहाँ तो हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका डिफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बोला है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ यदि ए का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो अगर ए के बराबर आ जाता है, मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए का, तो फिर से वही ए में आ जाना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं ना, चलिए समझ में आ गया तो चलिए, अच्छा नहीं समझ में तो याद रख लीजिए, समझ में आ जाएगा फिर से। मान लीजिए कोई एक ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है 4, √2, √2, 1, 3, 1/3, इसका बोल रहा है कि ट्रांसपोज निकालिए, अच्छा ट्रांसपोज निकालिएगा ना, फिर से देखिएगा क्या ये के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है यानी कि समझेगा सिमेट्रिक है, नहीं आ रहा है तो उसको हम कुछ और बोलते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं आगे, देखिए क्या, तो पहले देख लेते चेक करके, तो एक अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो 4 √2 है, तो √2 यही आ गया, फिर ये √2 1/3 था, ये √2 1/3 कॉलम में आ गया, देखिए तो 4 √2 √2 1/3, देखिए तो क्या है ए मैट्रिक्स के बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है, आप सोच रहे होंगे √2 यहाँ लिख दिए, √2 लिख दिए तो आ गया होगा, तो हाँ तो ऐसा ही है, ऐसा ही आएगा, तो ए का अगर हम लोग मैट्रिक्स है फिर ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो आ गया ए के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि चीज कॉल्ड है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक हो गया, इसको भी पास कीजिए, स्क्रीनशॉट लिखिए लीजिए। नेक्स्ट है आपका
अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। जहां पे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या करना है कि माइनस में आना चाहिए, जो मैट्रिक्स है वो माइनस में आना चाहिए, मतलब माइनस ए में आना चाहिए। समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल में मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स लिए, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोज निकाल दिए, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल दिए। जीरो एट जो था रो में वो कॉलम में चेंज हो गया, और जो ये रो में था ये कॉलम में चेंज हो गया। तो देखिए डायगोनली एक बात ध्यान रखिएगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा तो आपको डायगोनली हमेशा जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो रहेगा तो जो ऊपर का जो एलिमेंट्स रहेंगे, जो ऊपर के एलिमेंट्स वो हमेशा क्या रहेंगे, कोई ना कोई माइनस में ही रहेंगे। अगर यहाँ से जो भी देखेंगे तो जीरो ये रहेगा, बाकी सब के सब क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। समझिएगा कि जो वैल्यू है आपका वो माइनस ए में आएगा, क्या रहेगा, माइनस ए में, यानी कि माइनस ए आएगा। तो इस तरह से अगर रिजल्ट आता है, अगर किसी भी ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर रिजल्ट आता है माइनस ए में, समझिएगा कि ये क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक है। समझ जा रहे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अस्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनली होगा, डायगोनली मतलब इस तरह से वो जीरो जीरो होगा, जो ऊपर का जो रो रहेगा या जो नीचे का भी उसके रो रहेगा वो क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। समझ जा रहा है, कहने का मतलब एक बार और समझ लीजिए, जो भी जीरो जीरो डायगोनली में रहेगा उसके इस तरफ के जितने एलिमेंट रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, और उस तरफ के जितने एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। अगर निगेटिव रहा एक भी तो समझिएगा कि माइनस ए में रहेगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये तो समझ में आ गया बात। नेक्स्ट, सम रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके भी रिजल्ट्स है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, बट इसका एग्जांपल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझ में आपको आ जाएगा बिना एग्जांपल का भी। तो ये क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करने के लिए बता रहा है कि जो दो को जो मैट्रिक्स लेंगे ना वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और वो जो दोनों मैट्रिक्स को अगर मैच करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब जो पहले वाला जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा उसके बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए एंड बी पहले से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हम कि मान लेते हैं इस तरह से, मान लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, इसका अगर ट्रांसपोज निकाल दिए तो इस तरह से आ गया, यानी कि ये जो ए है ये जो ट्रांसपोज है दोनों एक दूसरे से बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया, दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। अब बता रहा है उसमें कि जो टू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो ऐड करेंगे, तो मान लीजिए कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको मान दिया तो इसको मान दिया, कोई भी तो मान लीजिए, मान लीजिए कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों के सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है जो निकल के आ गया, उन दोनों को ऐड किए, जो पहले से जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ए प्लस बी इसको भी ऐड किए, फिर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बता रहा है क्या दोनों दूसरे से बराबर होगा, तो हाँ होगा। अगर हम ए प्लस बी को निकालते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आएगा, जो ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज निकालेंगे फिर से इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी ही आएगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए, ए ट्रांसपोज देखिएगा क्या कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए और बी ट्रांसपोज बराबर होता है बी। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज दोनों निकालते हैं, दोनों निकालते हैं ऐड करके, तो जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो ए और बी को भी ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे से क्या है, बराबर ही है ना। देखिए एग्जांपल से पहले समझा देते हैं आपको, मान लीजिए 2 4 6 8 कोई ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मान लीजिए 5 6 3 2, ठीक है, इन दोनों का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगर देखिए अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के तो बराबर आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं एलिमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 3, यहाँ ले लेते हैं 6 6। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं दोनों का, दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा, यानी ए के बराबर हो गया, मतलब ए के बराबर आ गया, जो हम लोग पहले से हम लोग ए मान लीजिए को मानते हैं, बी का भी ट्रांसपोज इसी तरह से निकाल दिए जो पहले से बी को दिया हुआ,
दिया गया बी सिक्स सिक्स टू, तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया, मान लीजिए कि ये आपका ए और बी और मान है और इसका हम ट्रांसपोज निकाल दिया। अब देखिए तो इन दोनों को जो जोड़ेंगे, इन दोनों को जो जोड़ेंगे दोनों का सेम रिजल्ट नहीं आएगा, तो वही तो आपको बता रहा है कि जो अगर मान लीजिए दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी जोड़ेंगे तो फिर भी वो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट के इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई ए एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि जो ए का जो ट्रांसपोज निकाले वो ए के बराबर आ गया, मतलब कि जो हम पहले ए रख दिया गया था उसका ट्रांसपोज निकालते फिर से ए के बराबर हो गया, इसी को ना बोलते सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें बता रहा है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसमें के से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या वो के ए के जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो निकाला गया उसके बराबर आता है। तो मान लीजिए के है, जो पहले जो मैट्रिक्स दिया गया था, पहले वाले मैट्रिक्स दिया गया था उसमें ए से मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई हो गया K में, A से मल्टीप्लाई कर दिए, कहने का मतलब मान लीजिए K की जगह पे 3 है और कोई एक मैट्रिक्स से बना हुआ उसमें मल्टीप्लाई कर दिए फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए LHS हो गया, मान लीजिए LHS हो गया, ये क्या करते हैं कि K को हम लोग बाहर निकाल रखते हैं, A को पहले ट्रांसपोज कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से या कुछ भी जो K दिया गया है, तो वो क्या करेंगे दूसरे से बराबर हो जाएगा, यानी कि K A भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह के रिजल्ट आपको एग्जांपल में पिछले बार में बताए थे उस तरह से आपको समझ में चला गया। इस तरह के कोई एग्जांपल ले लीजिए, आप मान लीजिए की जगह पे 3 ले लीजिए, इसके जगह पे कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स जो आपको अच्छा लगता है लेकर उसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए फिर इसको, फिर ये आपके मान लीजिए LHS हो गया, फिर इसको भी मैट्रिक्स को ले लीजिए, जो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा जो यहाँ लीजिएगा उसका डायरेक्ट ट्रांसपोज निकालिए और उस के जगह पे जो भी माने 3, 2, 4, 6, 10 जो भी माने उसको मल्टीप्लाई कर, देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं, अगर बराबर आ गया तो कह सकते हैं कि के ए इज ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड आपका है प्रूव दैट द सम ऑफ द टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम टू सेम ऐसा ही है, जो इसका भी हम रिजल्ट देखे ना स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक का, उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक का है। मान लीजिए कि ए बराबर माइनस ए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, 1 बी बराबर माइनस बी, ये दो सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब क्या करते हैं कि जो ए और जो बी है इसको पहले हम ऐड कर देते हैं फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो माइनस ए बी के रूप में आना चाहिए ना, तभी उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ए बी को ट्रांसपोज निकाल दिए, ऐड करके ट्रांसपोज निकाल दिए। नेक्स्ट पर क्या करते हैं कि ए को अलग ट्रांसपोज करते हैं, बी को अलग ट्रांसपोज करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, तो ये रिजल्ट दोनों तो सेम आएगा आपके हिसाब से। फिर क्या करते हैं कि जो माइनस ए जो स्क्यू सिमेट्रिक निकाले थे अब प्लस माइनस बी, यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक था ये माइनस ए और माइनस बी, अब इन दोनों को भी क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, देखिए तो यहाँ भी माइनस था, अगर इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस को क्या किए कि हम लोग कॉमन ले लिए हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी आ गया, तो यही ए प्लस बी को पूछ रहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देखिए तो ए प्लस बी उसके आगे क्या चीज लग गया, माइनस का साइन। अब इसको जोड़ देंगे दोनों को तो कोई एक सिंपल सिमेट्रिक बन जाएगा, मतलब मैट्रिक्स बन जाएगा और उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, यानी कि अब ये भी क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। आप कुछ मत कीजिए, अगर आप मान लीजिए नहीं समझ में आया मेरे बातों को तो आप क्या कीजिए कि कोई एक ए मैट्रिक्स लीजिए, बी मैट्रिक्स लीजिए, दोनों का स्क्यू सिमेट्रिक लिख लीजिए, दोनों को क्या कीजिए कि इस वाले फॉर्म पे निकालते चले जाइए, पहले ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर ए को ट्रांसपोज कीजिए, बी को ट्रांसपोज कीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए, फिर माइनस ए माइनस बी इसको जो ट्रांसपोज निकाले थे स्क्यू सिमेट्रिक का उसको भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इस तरह से माइनस को बाहर रख के इसको ऐड कर दीजिए। पहले देखिए कि इन दोनों जो निकाले हैं क्या बराबर है, अगर इन दोनों के बराबर होगा तो माइनस में रख के फिर इन दोनों को जोड़ के देखिएगा, इसका माइनस में ये भी दूसरे से क्या हो जाएगा, बराबर ही आएगा, लेकिन उसके आगे बजे का साइन लग जाएगा माइनस का, क्या लग जाएगा माइनस का। तो ये आपका हो गया क्या रिजल्ट्स किसके, ये हो गया सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, चलिए
get any square matrix with the real number entries, then we have. मान लेते हैं कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके सारे रियल नंबर के एंट्रीज हैं, साथ में जब हम चलते हैं इस तरह से, कैसे कि a + a डैश इज sq, सॉरी सिमेट्रिक, क्या बोला, सिमेट्रिक, तो मेरा मतलब है कि a + a का ट्रांसपोज, का पूरा ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या वो सिमेट्रिक आता है कि नहीं आता है, है? जैसे मान लीजिए कोई आपको सिमेट्रिक दे दिया, बोला कि सोचा कि सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी मान लीजिए ट्रांसपोज निकालेंगे फिर से एक बराबर होना चाहिए, माने मान लीजिए मान लीजिए सिमेट्रिक दे दिया, इस सिमेट्रिक का ट्रांसपोज निकालेंगे जिस a सिमेट्रिक के बराबर होना चाहिए, ये पूछा, तो उसी का मान लीजिए सिमेट्रिक है, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या वो सिमेट्रिक आ रहा है पहले जैसा, सॉरी, तो चेक करते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस
ए का ट्रांसपोज और इसके बाद ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो क्या होता है, ए के बराबर होता है। अगर ए का ट्रांसपोज निकाले कोई एक मैट्रिक्स से, उसका ट्रांसपोज निकाले, फिर से ट्रांसपोज निकाले, तो ए के बराबर ही हो जाता है। ये भी रिजल्ट से आपको बताए थे। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस ए हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ए को इधर, ए ट्रांसपोज को उधर, उस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ गया। ये किसके बराबर था, पी के बराबर था। यानी कि आपका पी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो पी के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक का। अगर क्यू का ट्रांसपोज निकाल दे, क्या एक अस्क्यू सिमेट्रिक आता है कि नहीं, तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इस पूरे का क्या कर दिया ट्रांसपोज, क्योंकि हम लोग क्यू कर क्या मान रहे थे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे थे, पूरा का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। वैसा जैसे जैसे इसमें कर रहा है वैसा वैसा ही करेंगे, बस यहाँ पे क्या है माइनस आ गया है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसका पूरा का ट्रांसपोज करेंगे, के तो ये के है तो के तो बाहर रहेगा, इस पे तो कोई ट्रांसपोज लगेगा नहीं, तो इसका फिर अलग अलग सेपरेट करते हैं ट्रांसपोज को, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का पूरा का पावर ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और उसके पावर का जो ट्रांसपोज है सबको निकालते हैं तो हो जाता है ए। क्या हो जाता है ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए, यानी कि इसको प्लस चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है माइनस में, ये तो प्लस में था इसके आगे, ये हो जाता है माइनस में, इसके आगे माइनस था तो ये हो गया प्लस में, यानी कि माइनस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही आपका क्यू था, उसके आगे लग गया माइनस, यानी कि हो गया क्यू का अगर ट्रांसपोज निकाले तो आ गया माइनस क्यू, तो ये जो क्या क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये भी प्रूव हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा और टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और डिस्कशन है कुछ, उसको भी समझ लेते हैं साथ में, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि सभी पे क्या करेंगे कि एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर से इस वीडियो में अगर सॉल्व करने लगे ये वीडियो लगभग 1.5 घंटा चला जाएगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले आप इसको अच्छा तरह समझ लीजिएगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स वाले वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसको तब तक नोट डाउन कीजिए जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब अलग अलग चीज उस पे करेंगे, बदलाव करेंगे, उसके बारे में समझते हैं क्या है। लिखा हुआ है गिवन बिलो आर 3 रो ऑपरेशन एंड 3 कॉलम ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि आपको नीचे में दिया गया है कि 3 रो का ऑपरेशन और 3 कॉलम का ऑपरेशन इस चीज को मैट्रिक्स में किया गया, मैट्रिक्स पर अप्लाई किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो फिर बोलते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट आपका है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इसके बारे में समझते हैं क्या बताता है। Two matrices A and B are said to be equal, equivalent if one is the obtained from the other by one or more elementary operation, and we write A. A क्या कराएंगे, equivalent है किसके, B के, A equivalent है B के। कहने का मतलब है कि two matrices A and B दो एक दूसरे से क्या equivalent है, किस form में, तो 1/1 अगर एलिमेंट्री को हम लोग चेंज भी करते रहते हैं फिर भी एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे चलते हैं, फिर चलेंगे 3 कॉलम पे, 3 कॉलम ऑपरेशन पे। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्री रो में चलिएगा तो इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज आप आराम से कर सकते हैं। 2 रोज का इंटरचेंजिंग करने का मतलब है कि R1 के जगह पे R2 लिख सकते हैं, R2 के जगह पे R1 लिख सकते हैं, R1 के जगह पे R3 लिख सकते हैं, R3 के जगह पे R1 लिख सकते हैं, मतलब 2 रिलेशन लेके चलना है आपको। मान लीजिए कि ये रो है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड, ठीक है। इसके जगह पे क्या कर सकते हैं कि R2 को R1 की जगह पे लिख सकते हैं और R2 के जगह पे R1 लिख सकते हैं।
मतलब कहने का मतलब आर टू को उठाकर आर वन की जगह, आर वन को उठाकर आर टू की जगह भी लिख सकते हैं। हम लोग इंटरचेंजिंग किए आर टू और आर थ्री में, यानी कि आर वन को कुछ नहीं करना है, इसको तो नहीं करना है क्योंकि इसमें तो चेंज नहीं करने के लिए बोल रहा है, ये अप्लाई किए इस तरह से, तो हम लोग चेंज कर दिए हैं। यहाँ से जो था ये था आर टू, आर टू को हम लोग आर थ्री पे रख दिए, आर थ्री को कर दिए आर टू पे रख दिए, तो हो गया ना 4 6 8 आर टू में आ गया और 2 4 -3 आर थ्री में आ गया। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग हो गया आर टू और आर थ्री में, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में नेक्स्ट आपका है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो नंबर्स। क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो में आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से, यानी कि जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अपने मन, हम अपने मन से लिए थे मैट्रिक्स को, लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया था 3 एलिमेंट्स रो, यानी कि आपको लेना पड़ेगा क्या, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 6। चलिए इसमें क्या बता रहा है कि आप किसी भी रो में किसी नन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज किए थे, नहीं सॉरी R2 में चेंज किए, R2 में हम लोग अप्लाई किए कि हम लोग क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 R2 लिख रहा है, यानी कहने का मतलब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा R2 में ही, यानी कि रो 2 में ही। अब पहले हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करते थे पूरे मैट्रिक्स में होता था, समझिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे आपको समझना है। अगर आपको स्पेशल बोल रहा है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिए तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे बोल देगा आपको सिर्फ R2 में ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप रो खोजिए, 2 कौन है, रो 1 रो 2, यानी कि आपको सिर्फ इसमें करना है 8 3 2 में, इसको मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 8 2 16 8 3 2 6 2 2 4 यहाँ पे लिख दिए, तो ये हो गया आपका इस तरह से। समझ में आ गया रो कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर है मल्टी, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। थर्ड नंबर है मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो नंबर्स एंड देन एडिंग देम टू द करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि किसी भी रो में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी एलिमेंट्स किसी नंबर से, और क्या कर सकते हैं कि उसी रो में किसी दूसरे रो को भी या अपने रो को भी ऐड भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको किसी एक रो में एडिंग मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल से क्या लिखा हुआ है कि कोई एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि R1 + 2R2 = R1। कहने का मतलब है कि ये जो R1 है, इस R1 में हम लोग, कहने का मतलब R1 मतलब कि रो, रो मतलब कि इस तरह से ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो ये जो बता रहा है कि जो R1 जो ये रो है ना, इस रो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 + 2R2 ये रूल को लगा रहे हैं, ये R1 का हर एक एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि एवरी एलिमेंट, ये क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग R1 को अगर चेंज करते हैं, R1 को हम लोग पूरा चेंज करते हैं, तो ये रूल लगाते हैं। तो देखते हैं पहले, तो R1 यानी कि सबसे पहला एलिमेंट ये लेंगे +2, तो 2 हो गया इंटू R2, तो जो एलिमेंट्स यहाँ कर लेंगे R1 का, वही R2 का यहाँ कर लेंगे, तो ये हो गया 2 × 4, यानी कि 2 + 2 × 4, ये जो नियम लगा R1 + 2 = R2, इसके जगह पे तो = 10, यानी कि एक R1 की जगह पे आपका चेंज अब हो, अब ये R1 क्या होगा, ये जो नियम लग रहा है ये R1 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इस रूल पे, इस रूल पे जो दिया गया है। तो हम लोग चेंज करते हैं, तो R1 में अगर चलते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट लेंगे 2 को, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, इंटू R2 तो R2 यानी कि 4, यानी इतना। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 10, यानी कि इसके जगह पे अब आ जाएगा 10। उसी तरह से अगर हम लोग R1 में नेक्स्ट चलते हैं
तो ये लेंगे थ्री प्लस है तो प्लस, टू है तो टू इंटू अबरी नेक्स्ट आर टू कौन हो जाएगा इसके सामने वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे अगर हो जाता है सिक्स है तो यहाँ जाता है सिक्स, अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा फिफ्टी। उसी तरह से नेक्स्ट अब हम लेते हैं तो टू प्लस टू इंटू ये क्या है आर टू में टू है तो ये हो जाएगा टू, अब इसको सॉल्व करेंगे सिक्स, यानी कि अब इसके जगह पे हो जाएगा टू को अगर देखते हैं तो टेन, थ्री के जगह पे अगर चेंज किए तो गया फिफ्टीन, टू के जगह पे चेंज किए तो सिक्स, यानी कि आर वन में ये बदलाव हो गया। उसी तरह से R2 भी कर सकते हैं, अगर R2 का यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे R2 तो इसमें भी कर सकते हैं चेंजिंग। तो आप ऐसा समझ लीजिए डायरेक्ट कि जब भी कोई रो में अगर चेंज करना होगा तो आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, या वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ कर सकते हैं किसी भी रो में। तो ये था आपका थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्री एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं थ्री एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब कॉलम में क्या ऑपरेशन, जो रो में ऑपरेशन था ना वही कॉलम है, सेम इज तुम सेम टू सेम वैसा वैसा ही। इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स, ए कोई मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर का, ठीक है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का, इसमें क्या किए हम अप्लाई किए हैं कि कॉलम वन को कॉलम टू से इंटरचेंज कर दिए हैं, या कॉलम टू को कॉलम वन से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों का मतलब वही है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री, यानी कि ये आपका सी वन सी टू सी थ्री, हम क्या किए सी टू को सी वन की जगह, सी वन को सी टू की जगह पे क्या किए चेंज कर दिए। तो ये जो था वन वन टू इसको उठाकर इस जगह पे शिफ्ट कर दिए, इसको उठाकर इस जगह पे शिफ्ट कर दिए, देखिए इस तरह से। तो ये आपका चेंज हो गया, यानी ये आपका था सी टू था, ये आपका सी वन था, ये था आपका सी थ्री। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर्स, किसी भी हम लोग किसी भी कॉलम में हम लोग कोई भी नंबर से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीरो से नहीं। कॉलम थ्री में क्या किए हैं कि हम लोग कॉलम थ्री में थ्री से मल्टीप्लाई किए, यानी कहने का मतलब कॉलम थ्री जो हमारा ये है इसमें हम लोग क्या होगा चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा कि थ्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, सिर्फ कॉलम थ्री में ही होगा, ये सिर्फ कॉलम थ्री में ही बोल रहा है और किसी में नहीं, इसलिए हम लोग चेंज इसी में होगा, बाकी सेम ही जो है वैसा का वैसा लिखेगा। थर्ड है, थर्ड आपका है मल्टीप्लाइंग इच एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय ए नॉन जीरो नंबर्स एंड देम एडिंग टू द करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द अनदर कॉलम, सेम टू सेम वैसा है जैसे रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए रो वन निकाल रहे हैं तो रो वन प्लस इनटू में क्या कर सकते हैं प्लस में क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो को ले सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलम थ्री लेते हैं तो कॉलम थ्री कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा प्लस कॉलम वन में हम लोग क्या कर दिए कि टू से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि अगर हम इस रिजल्ट को लेकर चले तो कॉलम थ्री में क्या हो जाएगा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कॉलम थ्री में अगर हम लेके चल रहे हैं, कॉलम थ्री है, इस कॉलम थ्री में अगर फर्स्ट नंबर ये लेके चल रहा है तो अगर लेके चल रहा है तो ये आपका हो जाएगा कॉलम थ्री में फोर प्लस टू इंटू सी वन, यानी कि इसके जस्ट सामने वाला कॉलम वन में सबसे सामने वाला जो इसको लेके चलेंगे उसी को कॉलम वन में भी लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा टू, तो कितना हो जाएगा फोर प्लस फोर इक्वल टू क्या एट, ये आपका हो गया एट। उसी तरह से नेक्स्ट लेके चलेंगे सी थ्री में ही, इस तरह से वन लेके चल रहे हैं, इस वन को लेके चल रहे हैं तो वन प्लस टू इंटू ये माइनस वन को लेके चलेंगे तो माइनस वन, यानी वन प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू, यानी माइनस वन, यानी कि हो जाएगा माइनस वन। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स प्लस टू इंटू फाइव यानी कि टेन, टेन सिक्स सिक्सटीन, यानी हो जाएगा ये सिक्सटीन। तो इस तरह से चेंजिंग होगा, लेकिन सिर्फ कॉलम थ्री में ही चेंजिंग होगा क्योंकि कॉलम थ्री में ही बोरा चेंज करने के लिए ये रूल लगाकर कॉलम थ्री को ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि यही बोल रहा है। इसके बाद दो डिफिनीशन और है उसको भी देख लेते हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा ये जितना भी था जो भी मतलब इस पे
मैट्रिक्स में जो भी था मतलब कि आपका थ्योरी था वो खत्म हो जाएगा, जो भी टॉपिक था डिफिनीशन था वो सब कुछ खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। चलिए इसका नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। चलिए दो और जो है डिफिनीशन बचा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेज, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। कहने का मतलब है invertible मतलब होता है कि inverse, invertible मतलब inverse, inverse मतलब उल्टा, inverse मतलब उल्टा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक square matrix है A जिसका order है n, उसी तरह से कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी निकालते हैं बी का, उसका भी ऑर्डर होता है एन, तो बता रहा है कि वो जो रिजल्ट आएगा इस तरह से आएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो बराबर हो सकता है, बराबर आई। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, इनवर्स है किसके कह सकते हैं, ए के, किसके कह सकते हैं ए के। तो ए क्या है, इनवर्स है बी के, तो लिख सकते हैं इस तरह से कि ए इनवर्स बी, या तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स। अगर इसको निकालना है तो आप यहां पे भी निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू आई है तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, आई बाय ए। हम मैथमेटिक रूप से चल रहे हैं, समझिएगा इसको कैसे लाया। तो आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। कैसे, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स से, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो सेम के सेम वही मैट्रिक्स रहता है। तो अगर हम लोग ए इनवर्स को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, ए इनवर्स के इनवर्स ही रहेगा। यही ए इनवर्स फाइंड करना था बी का वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि आपके क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। कहने का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज क्या है, ये अगर हम लोग ए ट्रांसपोज इनटू ए का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं और वो यूनिट मैट्रिक्स अगर आ जाए तो समझिएगा वो क्या है आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको बस याद रखना है इस बात को कि अगर हम लोग ए ट्रांसपोज इनटू ए फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आई आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, तो समझिएगा कि वो क्या है आपका, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहां तक हो गया, चलिए बच्चों यहां तक आपका थ्योरी हो जाता है खत्म, यानी मैट्रिक्स का जो चैप्टर था जो उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे वो लास्ट यहां तक आकर खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे, है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स के जो भी अभी जो बताया ट्रांसपोज से उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को क्या करें, शेयर करें, और आप भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को भी क्या करें, बजा दें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएगा एजुकेशन से रिलेटेड आपको हमेशा मिलता रहेगा नोटिफिकेशन, आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर कहीं पर भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम होता है तो इस नीचे के कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो बने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर जो भी बना है उसके नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। तो अब हमें दीजिए विदा और हम चलते हैं। तो आप घर पर रहिए, फिर से हम बोल रहे हैं घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।